नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। एक दुखद खबर उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से है। यहाँ गोगुंदा ब्लॉक के छाली ग्राम पंचायत के उंडीथल गांव के अमला का पानी गांव की एक 16 वर्षीय लड़की का एक तेंदुए ने शिकार कर दिया। जानकारी के अनुसार लड़की जो है वो अम्बालाल कपाया अम्बालाल गमेती की है और वो लड़की बुधवार को बकरियाँ चराने के लिए गाँव के पास ही जो नेरा बावजी नाम का एक स्थान है उसके पास एक पहाड़ है जिसे स्थानीय लोग कमड़े का पहाड़ मंगरा कहते हैं, कमड़े का मंगरा कहते हैं, वहां पर बकरियां चरा रही थी और उसी दौरान वहां पर एक तेंदुआ आया जिसने लड़की का शिकार कर लिया। लड़की का शिकार करने के बाद तेंदुए ने एक हाथ को पूरा ये खा लिया है, देख सकते हैं आप, कोहनी के ऊपर तक लड़की के हाथ को खा लिया, उसके चेहरे को भी जो है नोचा था तेंदुए ने और इस कारण से लड़की की मौत हो गई। लड़की के ऊपर तेंदुए का हमला करना और लड़की की मौत हो जाने का मामला गुरुवार सुबह सामने आया। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को जब लड़की घर पर नहीं लौटी तो अम्बालाल और उनके परिजनों ने और गांव के लोगों ने मिलकर जंगल के आसपास के क्षेत्र में लड़की की तलाश की थी। गुरुवार सुबह ग्रामीण और परिजन जब दोबारा से जंगल लड़की की तलाश करने के लिए गए तब जंगल में जो है लड़की का क्षत विक्षत शव मिला। उसके बाद में यहाँ के सरपंच गणेश लाल खेर ने वन विभाग को सूचना की, पुलिस को सूचना की, उसके बाद में राजस्व विभाग की टीम, वन विभाग की टीम व गोगुंदा पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा, वहीं एम्बुलेंस भी पहुंची और शव को जो है गोगुंदा सीएससी की मोर्चरी में लाया गया। आपको बता दें कि अम्बालाल कपाया जो है मजदूरी करते हैं और खेती करते हैं, पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे खेत हैं, गरीब परिवार है और अम्बालाल के 5 बच्चे बच्ची है जिसमें सबसे छोटी जो है ये कमला थी और कमला का तेंदुए ने शिकार कर लिया, उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अम्बालाल के 2 बड़े बेटे हैं, एक की शादी हो चुकी है, वहीं 2 लड़कियां जो कमला से बड़ी है उनकी भी शादी हो चुकी है। प्रशासन भी आए हैं, पुलिस भी आई है और रेंजर फॉरेस्टर भी आए हैं, तो हम प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, ऐसी प्रशासन कोई व्यवस्था करे जो इस गांव के अंदर पेजरा लगाया जाए और चाली के 5 राजस्व गांव, 5 ही गांवों में पेजरा की पुख्ता व्यवस्था की जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। तो हमारे गांव से यही हमें मांग है कि हमारे कोई सरकार से उचित उनको गरीब परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उस परिवार के लिए और हमारे गांव में जिस पेंथर का बहुत आतंक है तो हम सब मिलके यही साथी की सरकार से मांग कि हमें कोई उचित कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि हमारे ये भय का माहौल शांत हो सके और हम सब मिलकर आप और हमारे पूरे गांव के मिलकर आपको यही सूचना दे रहे हैं और ख़ास तौर से ये बता रहे कि हमारे पेंथर का ही 2-3 साल पहले भी एक हमारे एक गाँव में नौजवान के बच्चे पर भी हमला किया और वो मरा नहीं लेकिन उनको भी वो पेंथर ही ले गया था तो उनके बारे में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई इनका एक्शन नहीं लिया और आज 2-3 साल के बाद फिर ये एक हमला हो गया। हम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम डेली राजस्थान पर नया वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत मिल जाए।